देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। इस पद की खबर हम आपको बता दें, जो अमृतसर के जवाल रोड पर एक ड्राई फ्रूट की पैकिंग फैक्ट्री में आग लग गई। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए का सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर शुरू कर दी है। अमृतसर के चवाल रोड पर एक ड्राई फ्रूट के पैकिंग फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके से पहुंची दमकल विभाग ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और जिस समय आग लगी उस समय करोड़ का माल अंदर पैकिंग में हो रहा था और अंदर लेबर भी काम कर रही थी। किसी तरह से मुलाजिमों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। साथ ही इस खबर पर हमारे संवाददाता ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए जानकारी लेते हैं। अमृतसर के जवाल रोड पर एक ड्राई फ्रूट पैकिंग की फैक्ट्री में आग लगी है। चेटी जी, किस तरह भयानक आग ने रूप ले लिया है और किस तरह का माहौल है, जानकारी दीजिए। जैसे कि हमने आपको न्यूज भेजी थी कि बहुत भयानक आग थी कि कुछ भी नहीं बचा, तो जानी मानी जान का किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और फैक्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। जब हमने एसीपी इसे बात की तो उन्होंने कहा कि इसके कारणों का पता लगा रहे हैं। हमारे हिसाब से जांच सूत्रों के हवाले से जो पता चल रहा है कि ये जो आग है शॉर्ट सर्किट के कारण ही लगी है जी। और लाखों रुपए का नहीं, आप करोड़ों में हिसाब लगा लीजिए नुकसान हुआ उस फैक्ट्री का, कुछ नहीं बचा उस फैक्ट्री में। शेट्टी जी, ये अमृतसर ये फैक्ट्री में आग लगी है, फ्रूट की पैकिंग फैक्ट्री में, इससे पहले भी इसमें आग लग चुकी है या पहली बार इसमें आग लगी है? पहली बार ही आग लगी है इस फैक्ट्री में। अच्छा, आग पर काबू आग पर पा लिया गया है या प्रशासन मौके पर कितनी देर में पहुंचा, जानकारी दीजिए। प्रशासन जो था वो 10-15 मिनट में पहुंच गया था और तकरीबन 7-8 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई थी वहां पर। उन्होंने मौके का फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर सुरक्षित हैं या किसी गंभीर चोटें आई हैं? नहीं, फैक्ट्री में कोई जानी माल का नुकसान नहीं हुआ है, सब सेफ है। सिर्फ फैक्ट्री जो आग लगी है उसमें जो बादाम थे, वो जो बारदाना था करोड़ों रुपए के हिसाब से बारदाना था उसमें, और बादाम थे जो पैकिंग करके ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होते हैं, वो बिल्कुल जलकर राख हो गए। मौके पर कितनी दमकल गाड़ियां पहुंची हैं मौके पर पाने के लिए? मौके पर 8 गाड़ियां अमृतसर फायर ब्रिगेड की थी, वो मौके पर पहुंची है और तकरीबन 3-3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। राजविंदर कौर पुलिस अधिकारी से आपने जानकारी ली, किस तरह उन्होंने जानकारी दी, क्या बताया, किस तरह ये आग लगी है, कितने समय से शॉर्ट सर्किट से जो आपने बताया है और भयानक रूप ले लिया आग ने और मौके पर भर्ती गई, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, अधिकारी ने क्या जवाब दिया, आपने जानकारी दी? अधिकारी से जब हमने एसीपी प्रवेश चोपड़ा जी से बात की थी ना, तब उन्होंने कहा था कि इसका हमें तो लगता है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, क्योंकि हम इसकी जांच कर रहे हैं, शाम तक या कल तक इसका क्लियर हो जाएगा कि आग कैसे लगी है और किन कारणों से लगी है। चलिए, फॉलो करेंगे आपकी और शेट्टी जी, जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।